नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की ओर। ओडिशा ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 200 के पास, 900 के करीब घायल। एक दो नहीं बल्कि तीन ट्रेनें आपस में टकराई, कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, सामने आई वजह। कोरोमंडल ट्रेन हादसे पर पीएम गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी से बात कर हादसे के लिए जानकारी। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के हाथ लगी ड्रग्स की भारी खेप, 4,860 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। अमेरिका में बोले राहुल गांधी, मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी। पीएम मोदी 22 जून को अमेरिका की संसद को करेंगे संबोधित, राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर जाएंगे यूएसए। गृह मंत्री अमित शाह के अपील के बाद मणिपुर में 140 हथियार किए गए सरेंडर। सचिवालय के रिकॉर्ड रूम में फाइलें गायब, मामले में मुकदमा दर्ज, सेक्रेटरी राजेश खेर की शिकायत पर हुई एफआईआर। सामने आई साहिल की दरिंदगी के सबूत, सर समेत टूट गई थी 70 हड्डियां। किसान नेताओं की सरकार को चेतावनी, 9 जून तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, नहीं तो दिल्ली में होगा बड़ा प्रदर्शन। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा, मृतकों को 10-10 लाख रुपए से मुआवजा का ऐलान, तीन ट्रेनें टकराई, कम से कम 200 मौतों की आशंका। 20 महीने से भारतीय बच्ची जर्मनी की कस्टडी में, परेशान मां की प्रधानमंत्री मोदी से गुहार, मेरी बच्ची को वापस भारत ले आइए। केजरीवाल बोले कांग्रेस बताए लोकतंत्र के साथ या मोदी के, कहा हमने उनसे मिलने का समय मांगा, अध्यादेश के खिलाफ झारखंड सीएम का साथ मिला। सुहावने मौसम के दिन गए, पश्चिमी विक्षोभ का दौर खत्म, पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी, 5 दिन में 41 डिग्री जाएगा पारा। और भारत में एमएस धोनी की पूजा की जाती है, डेवोन कॉनवे ने कहा। ये थी अब तक की फटाफट खबरें और अब खबरें विस्तार से। ओडिशा में तीन ट्रेन टकराई, अब तक 261 की मौत, बेपटरी कोरोमंडल एक्सप्रेस से दुरंतो टकराई, फिर मालगाड़ी से भिड़ी, 900 लोग घायल। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है, न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। पीएम मोदी घटनास्थल पर जाएंगे, इससे पहले उन्हें हालत की समीक्षा की। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 4 गवाह सामने आए, 2 महिला रेसलर, कोच और इंटरनेशनल रेफरी, 4 मंत्रियों की टीम कर सकती है पहलवानों से बातचीत। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। इनमें एक एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल है। आंखें खराब, बड़ा लस लगाकर पढ़ना पड़ा, वेल्डिंग करने वाले के बेटे ने 10वीं बोर्ड में पाई सफलता, दूसरे के पिता मोची, माँ ने कचरा बीनकर पढ़ाया, बचपन में आंख में पुतलिया नहीं, धीरे धीरे दिखाई देना भी बंद हो गया, 10 साल की उम्र में एम्स में भर्ती करवाना पड़ा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ लेकिन फिर भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, धुंधला ही दिखाई देता है, चश्मा लगाकर पढ़ने पर भी छोटे अक्षर नजर नहीं आते, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर पढ़ाई की। आखिर 10वीं बोर्ड में 93.33% नंबर हासिल किए, ये कहानी है कोटा के हर्षित की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार को बीमार पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे, हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर जाकर पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। पॉपुलर वेब सीरीज असुर का दूसरा सीजन स्ट्रीम हो चुका है, इससे लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे तो सीरीज में अक्षय वारसी समेत कई मंझे हुए स्टार्स ने काम किया है, लेकिन 19 साल के विशेष बंसल ने अपनी एक्टिंग से सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। माइथोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज असुर 2 में विशेष बंसल ने शुभ जोशी के टीनेज किरदार को निभाया है, जो पौराणिक कथाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित है और दुनिया में कलयुग को उसके चरम सीमा पर पहुंचाना चाहता है। सीरीज में पूरी स्टार कास्ट ने शानदार काम किया है, लेकिन विशेष बंसल की एक्टिंग चौंकाती है, वह जब जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनसे नजर नहीं हटती, उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नव भारत टुडे। नमस्कार।